हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए थर्ड पार्टी की रीडिंग। थर्ड पार्टी क्या करने जा रही है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ये हम डिटेल में चेक जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्मोक रीडिंग होने वाली है ये। तो सबसे पहले तो मैं एंजल से प्रे करना चाहूंगी। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल राफेल, आर्केंजल यूरियल, आर्केंजल एरियल, आर्केंजल सैंडलफन, आर्केंजल माइकल, प्लीज मेरी मदद करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही से गाइड कर सकूं, उनकी जो भी क्वेरीज है उनको मैं जो है उनका आंसर दे सकूं, उनको सही तरीके से मैं गाइड कर सकूं, इतना मुझे गाइड करिए। क्योंकि मेरे व्यूवर्स का मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और उनके ट्रस्ट को मैं टूटने नहीं देना चाहती हूं, इसलिए आप मुझे सही से गाइड करिए। और कलेक्टिव्स की रीडिंग होने वाली है, इसलिए जो भी एनर्जी कलेक्टिव्स में पिक हो रही है वो मुझे बताइए और मैं अपने व्यूवर्स को सही से गाइडेंस दे सकूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिखा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे यहां पर वाइब्स आ रही हैं और जो मुझे यहां पर फील हो रहा है और जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, जो एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पार्टनर, कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ फंसे हुए हैं। दोनों की सिचुएशन मुझे यहां पर क्लियर हो रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों के पार्टनर जो अदर थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली मेंबर्स के अलावा जिसके साथ में फंसे हुए हैं, उनको कोई और भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लाइट भी आ गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कोई और भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, कोई और भी उनको जो है प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कि आपके पर्सन जो है उसे डिफेंस करके चल रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भनक लग रही है कि ये पर्सन इस टाइप का ही है, इसलिए वो आपके पर्सन के पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके पर्सन के पीछे जैसे चिपकू चिपकू होता है ना, इस तरह से जैसे वो लग गए हैं, मतलब ज्यादा नहीं है, एक ही पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसको आपके पर्सन की पर्सनैलिटी तो पसंद है ही, क्योंकि आपके पर्सन काफी स्मार्ट हैं, काफी हैंडसम हैं, काफी ब्यूटीफुल हैं, प्रिटी हैं, मेल फीमेल कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो एक तो गुड लुकिंग है आपके पर्सन और उनके फिजिकल अपीयरेंस पर भी वो मरते हैं, वो पर्सन चाहे मेल फीमेल वो कोई भी हो सामने वाला बंदा। और एक आपके पार्टनर का जो नेचर है वो उनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को वो ऐसा देख रहे हैं कि ये मेरी विश को फुलफिल कर सकता है, उनको जैसा पर्सन चाहिए वैसा पर्सनैलिटी आपके पर्सन की उनको लग रही है, इसी वजह से वो बंदा जो है आपके पर्सन के पीछे हाथ धोकर के पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, ऐसा मुझे ये दिखाई दे रहा है। मुझे यहां पर ये भी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन नहीं चाहते उसमें इन्वॉल्व होना, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन वो बंदा जानबूझ करके जबरदस्ती गले पड़ रहा है या पड़ रही है, वो आपके पर्सन को अप्रोच करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो मुर्गी फंसाने में मजा आता है, क्योंकि आपके पर्सन को वो ऐसा सोच रहे कि इसको हम पकड़ लें, अपने झांसे में दे लें, और इनका फाइनेंस और इनके पास जो भी पैसा वगैरह जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हड़प ले, इस तरह की मनसा से ये पर्सन आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है। ठीक है, मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मासूम सा है, ये पर्सन इतना चालाक नहीं दिखता है दिखने में,
तो क्यों ना इसको फंसाया जाए, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसी वजह से ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके पर्सन को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इसकी भनक है और आपके पर्सन उसे डिफेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन पहले ऑलरेडी थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं और शायद उनको हो सकता है कि इस बात का अंदाजा नहीं हो कि ये ऑलरेडी किसी के साथ में डील कर रहा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी साथ ऐसे बात कर रहे हो तो उनको लग रहा हो कि ऐसे ये फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्टी टाइप की नेचर के हैं, तो इसको फंसाया जा सकता है, ऐसा आपके पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि ये पहले ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और उनको ऐसा लगता है कि इस मुर्गी को फांसा जा सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि प्यार का ऑफर वो दे सकते हैं आपके पर्सन को, ऐसा भी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। फीलिंग्स मुझे जो आ रही हैं वही मैं बता रही हूँ आपको। ये इंट्यूटिवली रीडिंग्स होती हैं, साइकिक रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि वो पर्सन आपके पर्सन से एक नई शुरुआत करने की बोल सकते हैं कि हम आपके साथ में आना चाहते हैं, आपके साथ में डेट पर जाना चाहते हैं, कॉफी पर जाना चाहते हैं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जिंदगी की, आप हमारे साथ में आएंगे कि नहीं, इस तरह से कोई बात वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि वो आपके पर्सन से बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं या हो रही है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और जिनके पर्सन फैमिली मेंबर्स के साथ फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिल रहा है। आपके पर्सन बहुत दुखी मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है और वो रात और दिन बहुत तड़फ रहे हैं, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं अपने करने के ऊपर, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स को उन्होंने बहुत दुख दी है, बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर किया है, हद से ज्यादा टॉर्चर किया है। इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज हो गया है और इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहा है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा दुखी होना पड़ रहा है, रात को नींद नहीं आती है, उठ उठकर बैठ जाता है ये पर्सन, दिन में चैन नहीं है, इसको कहीं आराम नहीं मिलता है, इसको कोई खुशी नसीब नहीं हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर ये भी वाइब्स फील कर पा रही हूँ कि अभी थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है या होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन यानी कि फैमिली मेंबर्स और आपके पर्सन के बीच में झड़प हुई है, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। और थर्ड पार्टी बहुत चिड़ी हुई भी है आपके पर्सन के ऊपर, हद से ज्यादा चिड़ी हुई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से यानी कि फैमिली मेंबर से परेशान हो रही है और आपस में दोनों की झड़प हो रही है बहुत, और आपके पर्सन बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात को किसी को बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स अगर उनके साथ में होते तो वो आपको बता देते, लेकिन अभी वो अपनी फीलिंग्स को किसी को बता भी नहीं रहे हैं, जाहिर भी नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मुझे वाइब्स आ रही है वही मैं बता रही हूँ, थोड़ा मेरी आवाज में फर्क आ सकता है क्योंकि ये धुआं जो है हवा के साथ में मेरे मुंह में भी जा रही है। मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में चेंजेस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो बदलना चाह रहे हैं, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि इस फैमिली में तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस फैमिली में तो ये लोग मुझे सिर्फ यूज कर रहे हैं, मेरे फाइनेंस को यूज कर रहे हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई हेल्थ इशू भी हो जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी हो रही है, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं है थर्ड पार्टी को, यानी कि फैमिली मेंबर्स जो है, आप लोगों के पार्टनर के भाई भाभी हो सकती हैं, ननद हो सकती है आप लोगों की, या आप लोगों के सास ससुर हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है उनको उनकी कोई कदर नहीं है। आपके पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यही फैमिली कल मेरे लिए मरती थी और आज ये मेरे से नफरत करने लग गई है, आज ये मेरे पर ध्यान भी नहीं दे रही है, ऐसा आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जी पीक हो रही है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो मेरा पार्टनर ही था जो मेरे सुख दुख में खड़ा रहता था, जो मुझे सपोर्ट करता था, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आप मेरे व्यूवर्स जो है काफी गिविंग नेचर के भी हैं, काफी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के भी हैं, तो आप अपने पर्सन की हेल्प करने के लिए हमेशा
रेडी रहते थे और आपके पर्सन को आप बहुत सपोर्ट भी करते थे, छोटी छोटी बातों पर भी आप उनको बहुत सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं, तो आपके पर्सन को आज वही बातें याद आ रही हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मैं क्यों इस फैमिली मेंबर्स के साथ में फंसा, क्यों इनके बहकाव में आया, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कम से कम मेरा पार्टनर आज मेरे साथ होता। तो आपके पर्सन जो है वो बदलना चाहते हैं, आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स के साथ में उनकी बन नहीं रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपस में तनातनी चल रही है उनके बीच में। मुझे ऐसा यहां पर फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन को ये एहसास हो गया है कि कोई किसी का नहीं है। आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि मेरे पार्टनर के अलावा और कोई नहीं है मेरा, तो उनको आज आपकी बहुत याद आ रही है, वो बहुत तड़प रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो फीलिंग्स आ रही हैं वही मैं बता रही हूँ, जो मुझे यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि उनके अपने होकर भी अपने नहीं है और आप अपने ना होकर के भी पराए भी आप अपने थे उनके। उनको ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरे पार्टनर की मैंने कभी कदर नहीं की, आज वो बहुत दुख में हैं। उनको लग रहा है कि मैंने क्यों इन फैमिली मेंबर्स के बहकाव में आकर के अपने पार्टनर को दुख दिया, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्यों मैंने ऐसा किया। आज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पार्टनर का सपोर्ट बन करके रहना चाहिए था, मुझे इनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। आज मुझे उसी का रिजल्ट मिल रहा है, आज मुझे उसी का ही कर्म भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसी वजह से मुझे ठोकरें लग रही हैं, क्योंकि मैंने अपने पर्सन के साथ में इतना बुरा किया था, उनको भी मैंने बीच मझधार में छोड़ दिया, उनको भी मैंने सपोर्ट नहीं किया, उनको भी मैंने बहुत टॉर्चर किया इनके कहने से, और आज यही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फील हो रहा है और वो बहुत पछता रहे हैं अपने करने का, उनको बहुत पछतावा हो रहा है, उनको लग रहा है कि इसी बात का कर्म आज मुझे भुगतना पड़ रहा है कि आज मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा है, आज मैं अकेला पड़ गया हूं, भरे पूरे परिवार के बीच में रहकर भी आज मेरे साथ में कोई नहीं है, क्योंकि कल मैंने अपने पर्सन की कदर नहीं की थी, कल मैंने अपने पर्सन की जो है बिल्कुल परवाह नहीं की थी। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया है, आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि जैसा कोई करता है वैसा ही भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब थर्ड पार्टी में उनका दिल टूट गया है, थर्ड पार्टी में वो बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में रह करके उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ पर अपना कोई नहीं है, वो बदलना चाहते अपने आप को। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में चेंजमेंट लाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो उनकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि सारी दाल ही काली है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ये रियलाइज हो गया है कि सारी दाल ही काली है। अब वो आपके बारे में क्या सोच रही है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइज, पहले तो मैं आपके पर्सन के साइन बताना चाहूं तो आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टोरस हो सकते हैं, आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, आपके पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं या फिर लियो हो सकते हैं। आपके लिए लकी नंबर मैं बताना चाहूं तो आपके लिए लकी नंबर 1 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 12 नंबर लकी हो सकता है, 19 नंबर लकी हो सकता है, 24 लकी हो सकता है। तो इस तरह से
ये आपके लिए लकी हो सकते हैं, आपकी आपके पर्सन डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर लकी हो सकती है। किसी भी तरह से आपको जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। और ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं कि सभी बातें सभी से रेजोनेट हो, लेकिन कलेक्टिव की रीडिंग कर रहे हैं तो ये रीडिंग्स आपसे जरूर रेजोनेट होंगी। जो भी मेरी वीडियोस को देखती हैं उनको रेजोनेट होती ही हैं, और दूसरे जो नए मेरे व्यूअर्स हैं उनसे भी रेजोनेट होंगी क्योंकि कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए सभी से रेजोनेट होंगी। ज्यादा डिटेल में मैं जाती नहीं हूं क्योंकि ज्यादा बार बार आपके बारे में ही मैं गाती रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसलिए जो आप मेरी वीडियोज को देखते हैं तो आप समझ जाइए कि सिचुएशन आपकी है, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी उनको समझ में आ गया है, अभी उनको लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी वैसे चिड़ी हुई है आपके ऊपर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ बनाकर नहीं चल रही है अभी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो हमारे गले बन गए है, आप इससे पीछा कैसे छुड़ाएं, ऐसा आपके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो तब गले बांधा था जब आपको दुख देना था, अब वो थक चुकी है, वैसे भी काफी दुख दे लिए उसने आपको, मेरे व्यूअर्स को, और कितना टॉर्चर करेगी। अब उनको आड़े हाथ लेने लग गए थर्ड पार्टी, और अब आपके पर्सन वहां से उब गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे कि काश मुझे अपने पार्टनर के पास होना चाहिए था। आपके पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, अपने पर्सन से जाकर मैं बात करूं। मुझे ऐसा भी यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बदलना चाहते हैं, फुल्ली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट पल ही उनके ऊपर अगर कुछ असर कर देती है वो खिला पिला करके, तो दो चार दिन में एनर्जी चेंज भी हो सकती है। क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि ये फैमिली मेंबर्स बहुत ही, अब मुझे ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि मैं बोलूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा, इस टाइप की थर्ड पार्टी है कि आप समझ जाइए कि उसको तो आपको और आपके पर्सन को परेशान करने में ही मजा आ रहा है। अगर आपके पर्सन कामयाब हो गए वहां से निकलने में तो वो आपके पास तुरंत ही आ जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने बीच में चालाकी चल दी, आपके पर्सन को कुछ खिला पिला करके फिर दो चार दिन में अपनी तरफ कर लिया, तो फिर समस्या आ जाती है। अब आप मेरे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि मैम आए नहीं, मैम बात नहीं करते हैं, तो वो तो ऐसा फंस रहे हैं जैसे कोई जेल में फंस जाता है ना बंदा, एक बार जुर्म किया और फिर ये नहीं पता कि कितने दिन की सजा होगी, तो जो सजा चाहे 10 साल की मिलो, 15 साल की मिलो, 20 साल की मिलो, वो तो काट के आनी पड़ती है। तो मुझे तो यहां पर सिचुएशन कुछ आपके पर्सन की ऐसी नजर आ रही है कि गए थे वो अपनी मर्जी से और आपके पास आएंगे उनकी मर्जी से। मुझे तो यहां पर कुछ ऐसी भी वाइब्स आ रही है, आपके पर्सन वहां से निकलना भी चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी उनको परेशान भी कर रही है, जीना हराम भी कर रही है, लेकिन निकलने भी नहीं देती है। सिचुएशन कुछ लोगों की मुझे ऐसी भी नजर आ रही है। 1-2% के पार्टनर अगर तुरंत एक्शन लेकर के आ गए तो वो आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ढीले होते हैं ना, बहुत ही स्टब्बन टाइप के इगोइस्टिक पर्सन हैं, 2-4 दिन तो सोचेंगे मैं जाऊं ना जाऊं, है ना, इतने में वो फिर अपना खेल खेल जाते हैं क्योंकि सिचुएशन फिर थोड़ी सी कंट्रोल में आने शुरू हो जाती है। गर्मजोशी में अगर कुछ डिसीजन ले लिया जाए तो ले लिया जाए, वरना फिर से ढीला काम पड़ जाता है। फिर कहेंगे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बनाएंगे, आपके पर्सन को मीठी मीठी गोलियां खिलाएंगे और फिर आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो चालाकी आती है ना थर्ड पार्टी को, क्योंकि वो तो कभी से ऐसा करते आए हैं, और आपके पर्सन को फिर बहला फुसला लेते हैं और फिर आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन तुरंत बदल देते हैं। अब आप ये कहेंगे मैडम वो आते ही नहीं है, अब बताओ मैं किसी को किसी के घर से पकड़ करके थोड़ी लेकर आऊंगी। आपके पर्सन के मन में डोली ही नहीं है, आपके पर्सन चाहते ही नहीं है कि मैं तुरंत एक्शन लेकर के स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ूं। 2-4 दिन तो सोचने में लगा देते हैं जब तक थर्ड पार्टी अपना गेम खेल जाती है और फिर से वही सिचुएशन में फंस जाते हैं, उसी दलदल में फंस कर रह जाते हैं थर्ड पार्टी के दलदल में। इसमें मैडम क्या कर सकती है और आप मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, जब वो पर्सन स्ट्रेंथ के साथ में तुरंत निकलना ही नहीं चाहता, 2-4 दिन सोचेगा फिर
फिर सोचेगा कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, है ना। इतने दिन में उसको भनक पड़ जाती थर्ड पार्टी को, और वो फिर से गेम खेलती है आपके पर्सन के साथ में। तो मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि आपके पर्सन के साथ जब लड़ाई होती है थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स या अदर पर्सन साथ में, तब तो आपके पर्सन को आपकी याद आती है, तब आपके अंदर सारी अच्छाइयां नजर आती हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी उनको कुछ खिला पिला देती है, तब सारी अच्छाई थर्ड पार्टी भी नजर आती है। अब बताइए गलती किसकी है इसमें? आप एक बार मुझे सोचकर बताइए कि किसकी गलती है? क्या मैडम की गलती है, क्या मैडम की गलती है, क्या आपके पार्टनर की गलती है, या थर्ड पार्टी की गलती है? एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। आप यहां पर बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत सोच सोच करके कि मेरा पार्टनर आएगा जल्दी से, मेरा पार्टनर आएगा, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट देगा वो मुझे, या फिर वो देगी कमिटमेंट, इस तरह से आप सोच रहे हैं। लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तुरंत डिसीजन लेकर के आ जाएं। जिनके पार्टनर डिसीजन तुरंत ले लेते हैं वो तो आ जाते हैं, और कुछ है कि पार्टनर ऐसे ढीले ढाले हैं। सबको पता है कि मेरा पार्टनर कैसा है, 10 दिन में डिसीजन एक लेते हैं, छोटा सा डिसीजन भी, तो उन सबको पता है मेरे व्यूअर्स को कि हमारा पार्टनर कैसा है। वो सब समझ जाएंगे कि मेरा पार्टनर अभी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि हर एक इंसान को अपने पार्टनर के बारे में पता होता है कि ये इंसान तुरंत डिसीजन लेने वाला है, और ये इंसान 10 दिन में एक छोटा सा डिसीजन लेता है। तो आप समझ जाइए कि किसके पार्टनर की मैं यहां पर बात कर रही हूं। जो अगर अपने डिसीजन खुद नहीं लेता है, तो वो तो सोच लीजिए कि आप किस तरह से उसकी जिंदगी चल रही होगी। और जिनके पार्टनर डिसीजन लेने में माहिर हैं, वो आ जाएंगे आपके पास में। वो कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहते हैं, वो बदलना भी चाहते हैं। और जिनके पार्टनर अपने भाई और भाभी या फिर ननद के साथ फंसे हुए हैं, मतलब आपकी ननद वगैरह जो ब्लैकमेल कर रही है, मतलब आपकी ननद वगैरह जो ब्लैकमेल कर रही है, या आपके जेठ देवर कोई भी है, अगर उनके साथ ही फंसे हुए हैं, पेरेंट्स नहीं है वहां पर इन्वॉल्व, तो चांसेस बनते हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, तो फिर दिक्कत ज्यादा आती है, और पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, मतलब फादर और मदर उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो चांसेस यहां पर ना के बराबर हो जाते हैं। या तो वो उनको साथ में लेकर आएंगे, या फिर वो चांसेस ये रहेंगे कि वो उधर ही रहें, ऑन ऑफ रहेंगे वो फिर आपके साथ में, क्योंकि उनको आपको भी बनाकर रखना है और उनको भी रखना है अपनी लाइफ में। सिचुएशन कुछ मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपके पर्सन फिर उनको भी चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे तो फिर बाद में काम पड़ेगा जब वो मर जाएंगे तब, और फिर आपके साथ बच्चे भी हैं, तो उनको बाद में अपनी इमेज भी दिखती है, समाज में अपनी इमेज दिखती है, तो वो आपको वेटिंग मोड पे रखेंगे फिर, या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग साथ में रहें। ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर मुझे समझ में आ रहा है, जो भी रीडिंग्स मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे गाइड किया जा रहा है, मैं वैसे ही बता रही हूं आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी सिचुएशन सूट करती है, किस तरह के आपके पर्सन हैं, किस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन टैप कर रहे हैं, और आपको कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है, उसी तरह से आप अपने ऊपर सोच लीजिए और आप हिसाब लगा लीजिए। मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि कुशे के पार्टनर जो हैं वो नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं सोच सोच करके, और वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएं, वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, वो फुली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। बशर्ते कि शर्त क्या है, या तो वो अदर पर्सन से फंसे हुए हैं, या मैंने बताया कि आप लोगों के जेठ देवर या ननद का कोई मसला है, वो लोग आ सकते हैं आपके पास में। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी क्या एनर्जी है जो आपको सूट कर रही है, इसमें रेजोनेट कर रही है। आपके पर्सन चाहते तो हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, लेकिन यहां पर उनके फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते और लड़ाई भी करते हैं, और जब उनको लगता है कि ये पर्सन यहां से भाग जाएगा, तब वो मीठी मीठी गोलियां भी खिलाते हैं उनको, तब वो चिकनी चुपड़ी बातें भी करते हैं, क्योंकि अगर वो उनको आने देंगे तो फिर हथियार किसको बनाएंगे? आप मेरे व्यूअर्स को परेशान करने के लिए हथियार किसको बनाएंगे? इसीलिए उनको उनकी जरूरत है, इसीलिए वो आपके पर्सन को बार बार कंट्रोल करते हैं,
ढीला छोड़ देती है, एक बार सोचती है कि अब तो कंट्रोल में आ ही गया, ढीला छोड़ती हैं, थोड़े दिन असर खत्म होता है, कुछ खिलाते पिलाते हैं तो उसका, और फिर जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचना शुरू करते तो उनको भनक लग जाती है और वो फिर से जो है उसको कुछ खिला पिला देती है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह की नजर आ रही है मुझे कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के साथ ये हो रहा है, ये सभी के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि सभी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतना ज्यादा वो एक्शन ले सकें। ये कुछ एक जो शातिर जो है, ये कुछ एक जो शातिर है ना थर्ड पार्टी, वही करती है जिसका पर्दाफाश मैं आपके सामने कर रही हूं। आप समझ सकते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली मेंबर्स या अदर पर्सन कितना शातिर है, किस तरह से सिचुएशन को मोड़ दे देता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये रीडिंग मुझे रेजोनेट कर रही है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट हो रही है और किस टाइप के फैमिली मेंबर्स हैं और किस टाइप के आपके पर्सन हैं, वो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं और उसी हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के साथ नई शुरुआत करने चाहती है, जो अदर पर्सन है वो, और फैमिली मेंबर्स का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर आपके पर्सन ने ज्यादा डिले कर दिया आपके पास आने में तो वो फिर से मीठी गोलियां खिला सकती है, फिर से वो गेम खेल सकती है। तो आपकी सिचुएशन आप अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन कैसी है और आपके पर्सन कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है वो आप समझ सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ यूनिवर्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।